तो हेजल को देख रहे होंगे आप, हेजल को टॉयज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है गाइस। टॉयज़ देखती है और फेंकती है, खेलती कम है और उनको फेंक देगी, चारों तरफ फैला देगी। तो हेजल खेल रही है और मैं अपना खाना बना रही हूँ। तो मैं बता देती हूँ मैं खाने में क्या बना रही हूँ। खाने तो हमारे यहाँ बन रहे हैं चावल। तो मैंने सोचा यार आज है ना लाइट जो डिनर लाइट ही कर लेते हैं, तो चावल मैं बना रही हूँ और बाहर का मैं नज़ारा दिखाती हूँ आपको। देखो क्योंकि कल 22 तारीख है, कल हमारे घर राम आएंगे, इसलिए बाहर लाइटिंग बहुत ही सुंदर कर रखी है। हमारे अपार्टमेंट वालों ने बहुत ही अच्छा डेकोरेशन करा है, तो मैं मॉर्निंग में भी आपको डेकोरेशन दिखाऊंगी। ये तो रात वाली डेकोरेशन है, एकदम लाइटिंग वाला, एकदम दिवाली वाली वाइब्स आ रही है। तो चलो गाइस गुड नाइट, मिलते हैं। पूरी बिल्डिंग को ऑरेंज कलर के बलून से और झंडों से सजाया गया है। सामने सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं। तो रगाइज मैं लगा रही हूँ यहाँ झाड़ू, क्योंकि रजनी आज फिर नहीं आई है। वो कल भी नहीं आई थी और वो परसों भी नहीं आई थी और वो आज भी नहीं आई है। वो महीने मतलब अभी उसको महीना भी नहीं हुआ है और उसने कम से कम 5 से 6 छुट्टियाँ कर ली है, और 15 दिन में मतलब 5 से 6 छुट्टियाँ कर ली है। तो अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ और अब मैं पोछा लगाऊंगी। और मैंने सोचा ये सिलेंडर आया था तो मैंने सोचा पीछे रख देती हूँ सिलेंडर वाला, क्योंकि झाड़ू निकालते टाइम सिलेंडर वाले भैया आ गए थे। तो फिर मैंने बीच में ही झाड़ू छोड़ की और सिलेंडर लिया और अब मैं पोछा लगा रही हूँ। सच में पोछा लगाने से एक्सरसाइज तो बहुत तगड़ी हो जाती है गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ोर आता है यार। और मैंने जो हेज़ल है वो मतलब मैंने चंदन को बुला लिया था घर पे, तो चंदन हेज़ल को ले गया। मैंने सोचा थोड़ा सा मेरे लिए ईजी हो जाए काम करना, और आज है ना 22 तारीख है, इसलिए मैंने सोचा झाड़ू पोछा भी ज़रूरी होता है, घर में सफाई करना भी ज़रूरी होता है। वैसे रजनी नहीं आती है तो भी मैं हमेशा झाड़ू पोछा करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को ऐसा अच्छा नहीं लगता जी। वैसे हालांकि तो गंदा नहीं होता है लेकिन फिर। और गाइस मैं अब लेके आ गई हूँ शावर, क्योंकि आज मैंने ना वॉशरूम वगैरह भी धोए थे, तो मैंने सोचा सर भी धो लेती हूँ, क्योंकि जब भी मैं वॉशरूम वगैरह धोती हूँ तो मैं सर ज़रूर धोती हूँ। और क्योंकि ठंड ज़्यादा है तो मैंने सोचा ऐसे पता नहीं कब बाल सूखेंगे, और मुझे पूजा भी करनी है, तो इस वजह से फिर मैंने क्या ड्रायर का यूज़ किया। वैसे ड्रायर मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे बाल पता है बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। रोज़ रोज़ ड्रायर यूज़ नहीं करना चाहिए तो, लेकिन विंटर्स में मैं मोस्टली करती हूँ, क्योंकि यार बाल सूखते नहीं और फिर बीमार हो जाते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं तो सारा काम ही रह जाता है। तो अभी मुझे फटाक से मतलब पूजा करनी है, इसलिए मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ। मैंने सिर्फ सिंपल सा कुर्ता वेयर किया, नीचे प्लाजो वेयर किया बस। तो गाइस देख सकते हो आप, ये मेरे से ना क्या माला ना टंग नहीं रही थी, कि मुझे ना कुछ ऐसा लग मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि ये मैं माला इनको पहनाऊँ कैसे। तो मैंने सोचा इसको ऐसा टांग ही देती हूँ। फिर मैंने पता है इससे पहले पूरे मतलब जो हमारा ये पूजा घर है छोटू सा, इसकी पूरी सफाई की थी, और उसके बाद में देन मैंने ये जो पूजा का प्रोसेस है स्टार्ट किया था। तो मैंने छोटी छोटी रंगोली बनाई थी और जैसे हमारी जो पूजा की थाली होती है उसको थोड़ा सा डेकोरेट किया था, क्योंकि आज 22 तारीख है तो मैंने सोचा कुछ स्पेशल है तो आज थोड़ा स्पेशल तरीके से पूजा की जाए। तो फिर मैंने फटाफट किया, क्योंकि मुझे पता है अभी शादी में भी निकलना है, तो इस वजह से मैंने सोचा जल्दी से पूजा करते हैं। फिर 11 का मुहूर्त था, 11 बजे का सुबह का, तो मैंने 11:05 पर पूजा स्टार्ट कर दी थी अपनी। तो मैंने कर ली है अपनी सारी पूजा, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए मेरी डेकोरेशन छोटी सी, तो सामने राम मंदिर की फ़ोटो भी लगाई थी मैंने, जो कि इन्विटेशन आया था वो वाली, और ऊपर हमारे करणी माता की भी हमने दीपक जलाया था। तो मैंने पूजा कर ली है, मैं शादी को निकलती हूँ, क्योंकि आज मेरी फ्रेंड की संगीत है तो वहाँ पे भी जाना ज़रूरी है। आज मतलब मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, क्योंकि मुझे पूजा में भी टाइम लग गया, काम में भी टाइम लग गया, और अब शादी में भी टाइम लगेगा, और हेज़ल को भी संभालना है, तो टाइम कम है, काम बहुत ज़्यादा है। तो चलो गाइस मिलती हूँ मैं आपको शादी में जाके अब डायरेक्ट। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी, होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। और अभी मैंने आपको दिखाया था जैसे कि मैंने झाड़ू पोछा
और जो डेली रूटीन का वो काम कर लिया है, स्टिल मैंने अपनी पूजा भी साथ में कर ली है। और अभी आप सोचोगे रेडी होकर कहाँ जा रही हूँ, तो मैं रेडी होकर संगीत में जा रही हूँ। मेरी फ्रेंड का जो मैंने बताया था आपको पिछले व्लॉग में शादी है, तो उसी शादी में मैं आज संगीत में जा रही हूँ। तो इनकी क्या संगीत मॉर्निंग में करते हैं गाइस, तो अभी 2 बज रहे हैं, तो हम लोग मैं और कीर्ति का वेट कर रही हूँ। तो कीर्ति आ ही गई है, देख सकते हो मेघना का लुक। मेघना मैं बता देती हूँ ये हमारे स्कूल फ्रेंड है मेघना। व्लॉग तो ऐसे चलता रहेगा, बस नहीं होता है व्लॉग का है क्या, आज कर दिया ना पोस्ट कर दिया ओ गाइज, मैंने पूजा कर दी है रात की और टाइम हो रहा है 7:10 और बाहर की लाइटिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। एक्चुअली बहुत ही सुंदर हो रहा है सब कुछ, बाहर भी मैंने दीपक जलाया गाइज। वैसे तो लाइटिंग हो रही है बट दीपक जला दिए मैंने, एकदम दिवाली वाली वाइब्स आ रही है, देख सकते हो आप। पूजा करने के कुछ देर बाद में जैसा कॉल आ गया मेरे पास कि मैंने भी पूजा कर ली है, चला जा वैशाली मिलते हैं, काफ़ी दिन हो गए। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, इधर से घर निकलूँगी तो एक बार जैसा से मिलते ही जाऊँगी। तो हमने सोचा आज बाहर की डिनर कर लेते हैं। डिनर में हम लोगों ने सैंडविच मंगवाया और हमारी हॉट कॉफ़ी भी मंगवाई है। तो चलो, क्योंकि गला मेरा काफ़ी ख़राब है, वैसे मुझे कोल्ड कॉफ़ी पसंद है। तो मैं आ गई हूँ घर पे और आज का दिन गाइज मेरा बेस्ट गया है, क्योंकि आज मैं अपने सारे फ्रेंड्स से मिली और बहुत मैंने इन्जॉय किया। और मतलब मैंने संगीत ज़्यादा कैप्चर नहीं किया गाइज, क्योंकि एक्चुअली थोड़ा सा इन्जॉय करने में इतना बिजी थी मैं कि मैंने ध्यान में नहीं दिया। और बैटरी भी मेरी बहुत कम थी फ़ोन की, डेड होने वाला था, सुबह से मैंने चार्जिंग पे नहीं लगाया था, थोड़ा सा चार्ज था। तो क्योंकि मैंने क्या वो गूगल मैप चला के छोड़ दिया था, तो बैटरी थी मेरी वो ही खा गया। तो कोई बात नहीं, वैसे मैंने इन्जॉय बहुत किया गाइस, मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको। और उसके बाद में फिर जयश्री से भी मिलना हो गया और 2-4 दिन गाइस मैं यहीं रहने वाली हूँ, क्योंकि हिजल के पापा कल आएंगे। तो कल आते ही फिर उनको कहीं काम से कहीं और भी जाना है, तो 2-3 दिन वो घर नहीं आएंगे, इसलिए मैं 2-3 दिन यहीं पर हूँ। और कल का भी मेरा कुछ प्लान है, तो कल के व्लॉग के जरिए आपको पता चल जाएगा कि कल भी मतलब मैंने कुछ प्लान कर रखा है आपके लिए। सस्पेंस रहेगा यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी नहीं बताने वाली हूँ आपको। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, और आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है। प्लीज़ गाइस मेरा प्यार दिखाओ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ऑल्सो मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी करो गाइस। आप प्यार दिखाओगे तभी तो मैं डेली व्लॉग्स लेके आ पाऊँगी आपके लिए। तो चलो गाइस सो जाती हूँ, क्योंकि आज मैं सुबह से बहुत थकी हूँ। मैं सुबह उठी थी 6 बजे, इधर से उधर। तो चलो गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन आपके लिए जब ये व्लॉग आएगा तब गुड मॉर्निंग होगी, इसलिए आपके लिए गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे, बाय, गुड मॉर्निंग। और वैसे तो मैंने रात को व्लॉग अपना एंड कर दिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो एक बार थोड़ा सा शूट करके आपको भी दिखा देती हूँ। तो अभी मॉर्निंग हो चुकी है, तो गुड मॉर्निंग। और गाइस बहुत ही अच्छी हो रही है, 7 बज रहे हैं लेकिन अल्टीमेट धूप आ रही है एकदम तगड़ी, इसलिए मैंने स्वेटर भी नहीं पहन रखा, देख सकते हो आप। क्योंकि अभी क्या मेरे को अभी बाहर जा रहा था शॉवर लेके, क्योंकि आज मेरा कुछ प्लान है, वो कल के व्लॉग में आपको पता चलेगा। तो एक मिनट मम्मा, तो कल के व्लॉग में आपको पता चलेगा। और अभी मैं क्या हेजल का कैप थी वो तो कि मैंने सुखाई, 2 दिन से वो सूख नहीं रही, क्योंकि मोटे वुलन की वो है इसलिए उसको टाइम लगता है थोड़ा सूखने में। तो अभी 2 बच्चे आ रही है तो मैंने सुखा दी। तो फिर मैं थोड़ा शूट करके आपको बता देती हूँ। तो चलो गाइस अभी मैं शावर ले लेती हूँ और फिर टैक्सी से मुझे जाना भी है और दूसरा व्लॉग भी शूट करना है,
तो धूप आपको दिखा देती हूँ और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज ना सुबह सुबह धूप बहुत अच्छी आई है क्योंकि ईजल का ये ना कैप सूख नहीं रही थी, देखिए आप, तो अभी जस्ट मैंने इसको सुखाई है धूप में। तो गाइस धूप बहुत अच्छी आई है और